असलकुम कैसे आप सबको उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो मैं आज यहाँ हेंगरी गटे से यहाँ सीधा फिर गुटे का हूँ। हेंगरी गटे से यहाँ 35 किलोमीटर दरगाह है। यहाँ पर पूरे लंबे मजरा फेमस तीन वलिया हैं। यहाँ तो फिर गुटा दरगाह हज़रत सैयद कुतुब शाह वली रजरत आलन, हज़रत सैयद दाऊद शाह वली रजरत आलन, सैयद मामा जिगनी माँ साहेबा रहमत आलन, इनके पूरे मजारा हैं। यहाँ इनके पूरा दिखा दूँ। देखो यहाँ अंदर इंशाल्लाह पूरा एंट्रेंस है। तो ये तीन लंबे मजारा तो कितने फिट है मुझे मालूम नहीं, पूछ को बोलता हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ एक है बात, देखो यहाँ सामने भी एक लंबी मजार है, माँ साहब की मजार भी है इसमें। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ض ويطبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. लेडीज़ को सेपरेट एंट्रेंस है यहाँ, लेडीज़ को सेपरेट इंतजाम करने को सीखे पड़ता गया। तो मैं अंदर मज़ार के अंदर रोडने हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमत। नाम हज़रत तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। हम यहाँ पिरनगुड्डा दरगाह शरीफ में खादिम हैं, और यहाँ पिरनगुड्डा दरगाह शरीफ के पास में जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, उस मस्जिद का मैं खतीब व इमाम भी हूँ। और पास में ही दरगाह शरीफ है, उस मस्जिद में हम खादिम भी हैं। दरगाह शरीफ ये बहुत पुरानी दरगाह शरीफ है, ये 3,500 साल पुरानी दरगाह शरीफ है। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं सरकार की ज़ियारत करने के लिए, और सरकार से फैज़ान भी पाते हैं। दूसरी बात ये है, आप हज़रात ये दरगाह शरीफ में जो दरख्त देख रहे हैं, यहाँ की जो इस दरख्त में सबसे पहले एक शक्कर आता था, उस शक्कर में बहुत ज़्यादा शिफाएँ थीं। अगर किसी तरह से जैसे कि कैंसर का, हार्ट, शुगर, या किसी का औलाद ना हो, उस शक्कर के खाने से ये सब बीमारियाँ दूर हो जाती थी। बहुत पहले की बात है जो शक्कर आता था, लेकिन अब शक्कर नहीं आता। लेकिन आज भी इस दरख्त के जो पत्ता है, उसका जो पत्ता है, वो शुगर, हार्ट, कैंसर, किडनी स्टोन, किसी का औलाद ना हो, इन तमाम बीमारियों में आज भी काम आता है। और बहुत सारे लोग इस पत्ते को लेके जाते हैं। पत्ते का तरीका जो है इस्तेमाल करने का, पत्ते को पानी में डालें और दिल में नियत करके पानी पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जो बीमारियां होती हैं वो शिफा हो जाती हैं। और सरकार के नाम मैं आप हज़रात को बता देता हूं, क्योंकि शुरू में बतानी थी। ये जो बीच में मज़ार शरीफ है, इनका नाम हज़रत कुतुब शाह वली जी, और ये इनके भाई हैं हज़रत दाऊद शाह वली।
और उधर जो मज़ार शरीफ है वो इनकी बहन की मज़ार है, हज़रते मामा जिगनी। ये मज़ार शरीफ की लंबाई 60 पे 4 अड़ी है, इनकी 60 पे 3 अड़ी लंबाई, और मामा जिगनी की लंबाई है 50 पे 4 अड़ी। ये बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इन लोगों से फैज़ान पाते हैं। मेरी गुजारिश है आप सभी हजरात से यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए, यहाँ अल्लाह के फजल व करम से, इन बुज़ुर्गों की दुआओं से सभी लोग शिफा पाते हैं, और आने वालों से भी यही गुजारिश है यहाँ आए, इनके फैज़ान से फैज़याब होकर के जाएं। आने वालों के लिए मैं एक रास्ता बता देता हूँ कि शिमोगा से तीर्थली को और तीर्थली से आरगा के लिए आए, आरगा गांव आके किसी से भी मालूम करेंगे आप पिरन गुड्डा की दरगाह किधर है, कोई भी आप हजरात को बता दें, समझे। आप हजरात यहाँ आकर के जाए, और इनका जो संदल मुबारक बनाते हैं वो हम मई के महीने में करते हैं, तारीख कोई फिक्स नहीं है, हमारी जो कमेटी है आपस में ही बैठ के मशवरा कर लेती है, वो तारीख इसमें बतला दिया जाता है। और सरकार का जो गुस्ल वगैरह संदल वगैरह मई के महीने में ही खास कर करते हैं। यहाँ बेशुमार करामतें भी हैं जो रात में जाहिर होती हैं, वो सब बताने की नहीं है, सब आप हजरात देख ही रहे हैं, यहाँ पूरा बयाबान जंगल है, और इस बयाबान जंगल में हजरत का यहाँ कयाम है, और इनके आशिकीन यहाँ आकर के जाते हैं, इनसे फैजान पाके जाते हैं, बच्चे भी आते हैं यहाँ, बड़े भी आते हैं, सभी लोग यहाँ हर तरह के, ऐसे समझ लीजिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर बिरादरी का यहाँ आदमी आता है, और इनके फैज़ान से फैज़याब होके जाते हैं। आप हजरात इधर ज़रूर आकर के जाएं और बुज़ुर्गों के फैज़ान से फैज़याब हो। मेरी दुआ है मौला सबको परेशानियों से महफूज फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए, सब पे खास करम फरमाए, आमीन व रब्बुल आलमीन। शुक्रिया अल्लाह। मस्जिद अक्सा है यहाँ, यहाँ पीर गुड्डे में मस्जिद के वास्ते नमाज़ पढ़ने के वास्ते पूरी सहूलत भी है, इमाम साहब भी रहते हैं, 5 वक्त की नमाज़ भी हो चाहिए इंशाल्लाह, वजू खाना बैतुल खुला हर चीज़ की सहूलत है, तो पूरा घेरा जंगल है, आराम से यहाँ को आप रख को जा सकते हैं, आराम से आओ सब भी, यहाँ का लोकेशन निकाल करो तो इंशाल्लाह ज़रूर से आओ इंशाल्लाह। तो पीर गुड्डे की मज़ार, और मज़ार से सामने सीधा यहाँ आए तो यहाँ ऊपर भी गए तो भी यहाँ भी एक 7-8 मज़ारा ही ऊपर दिखाता हूँ, देखो यहाँ ऊपर टेक को चढ़ना, बिस्मिल्लाह, पूरा घेरा जंगल, बहुत वाली वाली अंगे दरबार हैं बल्ला के, यहाँ मज़ारा वो देखने को ऐसे, देखो यहाँ पूरा ऊपर टेक को चढ़ को जाना, बहुत बड़े बल्ला के मज़ारा ही यहाँ अंदर भी, तो पूरा ये जंगल। मज़ार एंट्रेंस है, और यहाँ भी मज़ार हम बल्ला के अच्छे के नाम तो नहीं मालूम, ये पूरे मज़ार आए, तो कौन से मज़ार अगर को तो मालूम नहीं, यहाँ मज़ार के नाम ही हज़रत सैयद जिंदा शाह वली, हज़रत महबूब दस्तान सुल्तान शाह, और 6 मज़ार के नाम ही, तो पूरे मज़ार आए रोडे के करीब में 6 से पूरे। तो ये दरबार के अंदर इस पूरा फनस का झाड़ भी है, झाड़ हम पूरे इसके अंदर से चागे पूरे, फिर पूरा दरगाह पूरा देख लेगा होगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। आप यहाँ से निकल रहे हो टुम्बुल के वास्ते दुआ करो, सफ़र के वास्ते सफ़र आसान होते, अल्लाह हाफिज़।